आपको हम खबर से आगाह करें कि एंटी करप्शन ने कल चेयरमैन पीटीआई को लैया राजी स्कैंडल में तलब किया है। चेयरमैन पीटीआई ने मौजिस अदालत में वादा किया था कि वो इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। तर्जुमान एंटी करप्शन चेयरमैन पीटीआई की इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने के वादे के बाद कल पहली तलबी है। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई को भी कल तलब किया गया। एंटी करप्शन ने तलबी का नोटिस जमान पार की रिहाइश गाह पर चिस्पा किया है। तर्जुमान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के अराजी स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़े शवाहिद मौजूद हैं। एंटी करप्शन इंक्वायरी टीम मेरिट पर लैया अराजी स्कैंडल की तहकीकात कर रही है। अदम पैरवी या गैर हाजिरी की सूरत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताते चलें कि अदम पैरवी या गैर हाजिरी की सूरत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान टुडे से फिलहाल इतना ही।